आज इस वीडियो में हम कपलिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे तो पहले हम कपलिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन देखते हैं द द सेपरेशन बिटवीन पीक्स विद इन अ अ मल्टीप्लेट इज नोन एज कपलिंग कांस्टेंट। इसका मतलब है जब लो रेजोल्यूशन पे स्पेक्ट्रम लिया जाता था तो उस स्पेक्ट्रम में सिंगल पीक मिलते थे डिफरेंट प्रोटॉन्स के लिए पर वही जब हाई रिजोल्यूशन पे लिया गया तो हाई रिजोल्यूशन पे क्या होता है वो सिंगल पीक मल्टीप्लेट्स में कन्वर्ट हो जाता है उन मल्टीप्लेट्स को हम पिकलेट्स भी कहते हैं तो ये मल्टीप्लेट

होते हैं जो प्रोटॉन्स एक दूसरे के साइड में प्रेजेंट होते हैं उन प्रोटॉन्स की कपलिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो ऑलवेज सेम होती है ये डिनोट किया जाता है जे से और इसका यूनिट है हर्ट्स उसके साथ साथ द वैल्यू ऑफ कपलिंग कॉन्स्टेंट जे इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो फ्रिक्वेंसी इसकी जो वैल्यू है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं होती जो मिचुअली कपड़ प्रोटॉन्स है वो सेम कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू शो करते हैं जैसे हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है जिसका यहाँ देखें नाइन पॉइंट सेवन डेल्टा जे टू हर्ट्ज़ सिंगलेट टू पॉइंट फाइव डेल्टा जे सिक्स हर्ट्ज़ वन पॉइंट टू डेल्टा जे इज इक्वल टू सिक्स हर्ट ट्रिपलेट इस तरह जिन प्रोटॉन्स की जे की वैल्यूज सेम होती है वो प्रोटॉन्स एक दूसरे के एडजस्टेंट कार्बन पर प्रेजेंट है इस तरह कंसिडर किया जाता है